channel take two. Okay. Welcome and welcome back to my channel and welcome back to my another Meesho haul video. And मैं आपको दिखाने वाली हूँ शॉर्ट कुर्तीज़. मैंने पहले भी एक शॉर्ट कुर्ती हॉल करा था Meesho से, अंडर 400 था आई थिंक, अंडर 500 था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से आप जाके परचेसिंग कर सकते हो या देख सकते हो अगर आपको शॉर्ट कुर्तीज़ की और ऑप्शन चाहिए. एंड आप इसको समझ सकते हो एक तरीके से पार्ट 2 है जो मैंने फर्स्ट कुर्ती हॉल डाला था. मतलब वो सारे ना मैंने सारे एक ही साथ परचेजिंग की थी, लेकिन वो इतनी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं इतनी दिखा देती हूँ एंड नेक्स्ट मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी. तो आप इसे सेकंड पार्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो क्योंकि सारी शॉर्ट कुर्तीज होने वाली है एंड अंडर 400 नहीं अंडर 350 होने वाली है ओनली. सो आई एम एक्साइटेड टू शो यू ऑल कि मैंने क्या क्या परचेज किया है. सो आप भी एक्साइटेड हो जाओ एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सो जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट शॉर्ट कुर्ती हॉल में देखा होगा, एक मैंने चिकनकारी ब्लैक कलर की कुर्ती परचेज की थी, कुछ पैप्लम कुर्ती थी, वो नीचे से फ्लेयर थी एंड यहाँ से आप अपनी डोरी से एडजस्ट कर सकते थे अगर आपको याद है तो उसी में बिल्कुल सेम पैटर्न में मैंने दूसरा कलर ऑर्डर करा क्योंकि जब मैं वो ब्लैक ऑर्डर कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये वाला कलर बड़ा आ रहा था क्योंकि मैंने Amazon से भी एंड Meesho से भी दोनों जगह से चिकनकारी कुर्तीज ट्राई की हुई हैं. एंड मुझे अगर ब्लैक के बाद अगर आप पूछोगे कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, मुझे पिंक बहुत अच्छा लगता है. पिंक के ऊपर जो व्हाइट एम्ब्रॉयडरी होती है ना, पता नहीं क्यों वो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा मतलब उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कंपैरेटिवली और कलर्स से. सो ये वाला कुर्ती मुझे बहुत प्यारी लगी एंड दिस इज फॉर ₹245 ओनली. अगर आपको ये वाला कुर्ती नहीं पसंद है, मतलब कलर पसंद नहीं है, तो आप और भी कलर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो. इसमें 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसके बाद मुझे एक मरून कलर भी अच्छा लग रहा था बट इतना नहीं, बट मुझे ये वाला ट्राई करना ही था. एक मैंने Amazon से भी पिंक चिकनकारी, Amazon से या Meesho से पिंक चिकनकारी कुर्ती स्टाइल करी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. तो मुझे ना लगता है अगर आप एम्ब्रॉयडरी इस टाइप का देखना चाहते हो तो पिंक बेस पे ट्राई करना, यू कैन लव इट. सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो. कॉलेज एंड ऑफिस के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है. एंड लाइनिंग मैं आपको बता दूँ, लाइनिंग इसकी इतनी ही रहेगी तो यहाँ पे आके आपका टमी दिखेगा. सो अगर आपको नहीं दिखाना है तो आपको अलग से स्पेगेटीज के नीचे पहननी पड़ेगी. सो गाइस, नेक्स्ट इज आल्सो अ चिकनकारी कुर्ती एंड दिस इज द कुर्ती. लुक एट दिस, दिस लुक्स नाइस ना. मतलब मैंने आई थिंक इस टाइप का मैंने एक लॉन्ग कुर्ती ट्राई करी हुई है Amazon से भी एंड Meesho से भी, बट ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी. मतलब आपको इसके नीचे आप पजामी मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं लगेगी, या तो आप पैंट्स पहनो या तो आप जीन्स पहनो क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट थी. तो इस टाइप की चिकनकारी कुर्ती है एंड मुझे इसका यहाँ पे जो कॉलर पे जो इतना प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इसका प्राइस ₹320. इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन मिलता है, बेस वाइट ही रहेगा, बस एम्ब्रॉयडरी का वर्क मरून हो जाएगा. ये डिफरेंस था, बट मुझे लगता है व्हाइट पे आई थिंक ब्लैक ज़्यादा खिलता है. एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा सा एंड अट्रैक्टिव लुक है इसका. सो मुझे बहुत पसंद आया एंड या दिस इज़ अ नाइस पीस. एंड स्टाइलिंग करने के बाद इट वॉज लुकिंग क्वाइट डिसेंट. तो कॉलेज ऑफिस में आप कैजुअली इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हो क्योंकि फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है. सो या सो गाइज, हम इस वीडियो में कॉलेज गोइंग एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं एंड उनके कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनके बारे में वो बहुत कंफ्यूज रहती है कि डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए या नहीं, दैट इज लिपस्टिक. क्योंकि लिपस्टिक ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिप्स को पिगमेंटेशन भी कर देती है अगर आप राइट लिपस्टिक यूज़ ना करो. एंड आपको लॉन्ग स्टे नहीं मिलता लिपस्टिक में, आपको रीअप्लाई करना पड़ता है बार बार एंड इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग. सो मैं आपको कुछ ऐसे लिपस्टिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका 8 घंटे तक का लॉन्ग स्टे आपको मिलेगा. हाईली पिगमेंटेड है एंड क्रीमी मैट है, टेक्सचर इतना स्मूथ है, एक एप्लीकेशन में बहुत अच्छा कलर आता है. सो आई एम अबाउट टू अनवील द बेस्ट लिपस्टिक यू हैव एवर ट्राइड. दीज आर मामाअर्थ के क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स एंड ये 9 शेड्स में अवेलेबल है. मैंने कहा कि ये 8 घंटे तक का आपको लॉन्ग स्टे देते हैं लेकिन ये आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करते. एंड कई बार बहुत लिपस्टिक जो लॉन्ग स्टे वाली होती है ना, उनको उनके एप्लीकेशन के बाद आपके लिप्स ड्राई होते हैं एंड ब्लीड भी करने लगते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. यू कैन सी आई हैव अप्लाइड दिस ऑन माई लिप्स एंड माई लिप्स आर फीलिंग सो, मतलब इतना मॉइस्चराइज फील कर रहे हैं क्योंकि इसमें है मुरुमुरु बटर जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है एंड इसमें विटामिन ई है जो आपके लिप्स को पिगमेंटेशन से प्रिवेंट करता है. एंड आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, दैट मींस नो टॉक्सिन्स नो केमिकल्स। इस कलेक्शन में ना जो शेड्स वेराइटी है ना इतने प्यारे लगे। सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है, ये जो लिपस्टिक शेड्स है ना इनके बॉटल के कलर इनके शेड से मैच होते हैं, ये सबसे अच्छा मुझे लगा, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। सो मेरा जो फेवरेट शेड है वो है दिस वन, इज 03 पिंक रोज। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंक नेचुरल न्यूड कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिपस्टिक्स लॉन्ग स्टे हैं, बट अगर आपको किसी पॉइंट पे एकदम से लिपस्टिक रिमूव करके नया शेड लगाना है तो ये आप कैसे रिमूव कर सकते हो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आई हैव मामाअर्थ के माइसेलर जेंटल मेकअप रिमूवर वाइप्स। ये ट्रैवल फ्रेंडली है तो आप इजीली अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हो। इसमें ना आपको 30 वाइप्स मिलते हैं एंड एक वाइप पूरे फेस को क्लीन करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। एंड आपको इसमें एलोवेरा एंड माइसेलर वाटर मिलता है तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ये भी मेड सेफ सर्टिफाइड है, 100% बायोडिग्रेडेबल है एंड प्लांट बेस्ड फैब्रिक है इसका। अगर आप इनको परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं प्रोडक्ट वीडियोज में टैग भी कर दूंगी, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन करूंगी। ये अवेलेबल है Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple पे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे। एंड उनकी वेबसाइट एंड ऐप पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो टू अवेल 20% ऑफ। एंड मामाअर्थ को ना मैं उसके इनिशिएटिव की वजह से भी सपोर्ट करती हूँ जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करोगे ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट इन फ्यूचर एंड एग्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पीशीज आपको पिक्चर के साथ कंफर्मेशन के लिए भेजी जाएगी। आप भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हो ऑर्डर प्लेस करके। एंड इन केस अगर आपको डिलीवरी टाइम का वेट नहीं करना एंड आपको आज के आज ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मामाअर्थ के नियरेस्ट स्टोर भी विजिट कर सकते हो, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। एंड वन मोर थिंग, मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। जितना प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे कई ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं, तो ये तो हुई और भी अच्छी बात मामाअर्थ को सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड कुर्ती। शॉर्ट कुर्ती है, पैप्लम कुर्ती है एंड दिस इज द कुर्ती। ब्लू बेस पे इस तरीके से व्हाइट प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट है कुछ एंड बहुत ही सिंपल सी है, बट ये ना थोड़ा सा बोहो स्टाइल में है क्योंकि इसके एजेस पे इस टाइप से आपको बॉर्डर्स पे ऐसे पॉम पॉम्स मिलेंगे। सो इसलिए मैं इसको बोहो स्टाइल में बोल रही हूँ। तो अगर आपको बोहो स्टाइल का कुछ कुर्ती चाहिए, पैप्लम कुर्ती, तो ये एक परफेक्ट है। इसका प्राइस भी ₹249 है ओनली। इसमें कलर ऑप्शन आपको ज्यादा नहीं मिलते, बट ये कलर बहुत प्यारा है, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। साइज ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से XXL मिलते हैं, तो साइज ऑप्शन इसमें बहुत अच्छे हैं। फैब्रिक इसका रायन है, बहुत अच्छी कुर्ती है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कुर्ती। ये बहुत ही बेसिक सी कुर्ती है, इवन अगर आप इसको कुर्ती नहीं बताओगे तो कोई भी इसको लॉन्ग टॉप समझ सकता है क्योंकि इसमें कुर्ती जैसा कुछ खास है भी नहीं। मतलब साइड में इस तरीके से जैसे कुर्ती में कट होता है वो कट नहीं है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत छोटी सी है। एंड आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैंने ब्लू जीन्स के साथ पेयर अप करी है तो ये एक लॉन्ग टॉप की तरह तो लग रहा है, कुर्ती तो बिल्कुल नहीं लग रही। एंड बहुत ही सिंपल है, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल, सिंपलेस्ट कुर्ती आई हैव एवर बॉट, इतनी सिंपल है। बट इसका ना कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसका प्रिंट देखो आप, मतलब अगर आप भी देखोगे ना स्क्रीन पे तो कितना ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, कुछ मतलब अट्रैक्टिव सा लग रहा है। इसका प्राइस वैसे है ₹219, सबसे सस्ती कुर्ती इस हॉल की। लेकिन इसमें ना बहुत जल्दी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, मतलब स्मॉल, लार्ज, एक्सेल एंड XXL ही बचे हैं। मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल एंड XXL ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो अगर आपको ये चाहिए तो जल्दी से जल्दी परचेजिंग कर लो। बाकी मैं ना ऐसा लिंक डालूंगी जो मतलब सारे साइजेस इसमें अवेलेबल हों सर्च करके। बाकी आई लाइक इट, ये क्यूट है, सिंपल एंड क्यूट। या सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही थे कुछ शॉर्ट कुर्तीज जो मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं। एंड अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो जिसमें मैं और शॉर्ट कुर्तीज दिखाऊं मीशो से अंडर 500 या अंडर 400 या अंडर 300 या अंडर 200, तो मुझे कमेंट्स में भर के कमेंट्स करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप क्या पार्ट 3 देखना चाहते हो या नहीं, या मैं अब कुछ और दिखाऊं आपको। कमेंट्स करो यार, प्लीज कमेंट्स करो। एंड प्लीज मुझे अपैरल्स के बारे में बताना क्योंकि अभी मैं थोड़ा उसी फैशन कॉन्टेंट ही डाल रही हूँ एंड उसके बाद देखते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी ब्यूटीफुल। बाय गाइस, स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। Trying not to let go of my pride, but every time you come back it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside.